अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आज लेकर आई हूँ कुनाफा की रेसिपी। मैं बनाऊंगी फेनियों से, दो फेनियाँ लेंगे इसमें हम। दो फेनियों की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ कुनाफा की, तो बहुत मज़े का बनता है। आप चाहें तो सिवैयाँ जो हम डालते हैं ना शीर खोरमे, वो वाली सिवैयाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आज इसकी रेसिपी दे रही हूँ दो फेनियों की। तो आगे रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह बनेगा और क्या क्या चीज़ें डलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिए मैंने फेनियाँ, ये देखें दो लिए मैंने, एक और ये दो, दो फेनियाँ लिए। इसको मैं बिल्कुल बारीक चूरा कर लूँगी, ठीक है। चलिए इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून भर के शुगर। चीनी आप नॉर्मल चाय वाली चीनी होती है वो पीस लें, और 3 से 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा देसी। इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख लेते हैं। अब इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। दूध लिया है मैंने 1 कप। ये आप है ना पैन में भी डाल के कर सकते हैं। मल चीनी लिया है 1 टेबल स्पून भर के, पिसी हुई चीनी लिया है मैंने। कॉर्नफ्लोर जाएगा 1.5 टेबल स्पून। वेनिला एसेंस जाएगा 1/2 टीस्पून। क्रीम चीज़ जाएगी 1 टेबल स्पून भर के। फ्रेश क्रीम ले लीजिएगा आप 3 से 4 टेबल स्पून। इन सबको मिक्स कर लेंगे हम। आप चाहें तो इसी इस जगह ना बाउल ना लें, जिस पैन में आपने इसको पकाना है उसी में आप डाल के, मैं इसमें डाल दूंगी और हल्की आंच पे, बिल्कुल इसको हल्की हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, ठीक करेंगे, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें मिक्स करनी है ना हमने अलग से ही बाउल में, या इसी पैन में ही कर लीजिएगा आप, ज़रूरी नहीं है अलग बाउल में करना है इसको मिक्स करके बगैर चूल्हे के। फिर बाद में आपने चूल्हा ऑन करना है जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, ठीक है। ये देखें कितना ठीक हो गया, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ चम्मच से। ये देखें कितना अच्छा क्रीमी सा बन गया ये, आ रहा है ना। चलें ये देखिए ठीक हो गया। अब इसमें जाएगी चीज़, मैंने 4 टुकड़े डाले ना 1-1 इंच के जितने, आप 2 डाल लीजिएगा क्योंकि मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, ठीक है। मोजरेला चीज़, चेडर चीज़ कोई सी भी ले लें जो आपके पास है। अगर बर्गर में जो लगाते हैं ना स्लाइस चेडर चीज़ या मोजरेला चीज़ के, वो 4 स्लाइस डाल दीजिएगा आप इसमें। चूल्हा इस जगह पे मैंने बंद कर दिया है, चीज़ डाली है तो बस, ठीक है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि रूम टेम्परेचर पे भी आ जाए, और इसी गर्म में ही देखें काफ़ी मेल्ट हो गया है, बिल्कुल ज़रा सा ही नज़र आ रहा होगा आपको। ही देखें छोटे छोटे से पीस रह गए हैं बस चीज़ के, वो भी इसी में मेल्ट हो जाएंगे बस। आगे क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। आप अच्छा सा इसमें ग्रीस कर लें ट्रे को, अच्छी तरह चारों तरफ भी लगा लें और नीचे बेस में भी अच्छा सा लगा लें। मैं जाएगी क्योंकि मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना। देखें आप कोई भी स्टील का गिलास ले लें, कुछ भी ले लें, अच्छी तरह इसको हमने दबाना है ऊपर टाइट हाथों से। चलिए जी, तो मिक्सर बनाए थे, डालते हैं इसके अंदर। चलें जी, ये देखिए अब इसको ना अच्छी तरह से हाथ से ऊपर फिलिंग मैंने डाल दी। अब इसको इस तरह हम कोनों पे, कोनों तक हम इसकी फिलिंग नहीं भरेंगे क्योंकि कोनों पे ट्रे के साथ लगेगी ना तो जलेगी इसकी फिलिंग जो है। तो हम इस तरह देखें, मैं दिखा रही हूँ आपको, ऐसे ही आपने फिलिंग करनी है इसकी, और अच्छे से प्रेस कर देना है इसको ऊपर से भी स्पैचुला की मदद से, या कोई गिलास या कोई कटोरी की मदद से। ये देखें इस तरह प्रेस कर देना अच्छी तरह से दबा दबा के, जब हम इसको डीमोल्ट करेंगे तो ये बिखरे ना। ये देखें इस तरह साइड से भी बिल्कुल हम इसको पैक कर देंगे कि साइड में से निकल के ना वो ख़राब ना हो, जले ना। अगर आप ओवन में करना चाहते हैं तो ओवन में कर लें। ये देखें अब ये रेडी हो गया है बिल्कुल, इसको अच्छी तरह से हमने देखें नीट कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें 5 मिनट हो गए इसको गर्म होते हुए। इसको मैं रख दूँगी इसमें, और मैं जब बेक हो जाता है तो मैं आपको टाइमिंग इस पर लिख दूँगी, ठीक है। वीडियो के ऊपर टाइमिंग लिख दूँगी कि कितनी देर में मेरा ये कुनाफा रेडी हुआ है, ठीक है। इसको रख देते हैं, इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। दूध लिया है 1/3 कप मैंने। क्रीम लेंगे 4 टेबल स्पून भर के। कंडेंस मिल्क जाएगा 1/3 कप, और इसमें क्रीम चीज़ भी डाली थी मैंने 1 टेबल स्पून। इन सबको मिक्स करके और इसको छान लेंगे, छान के एक साइड पे रख लेंगे। ये हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया है, इस पर कुनाफा पे डाल के खाने के लिए। मैंने कोशिश की है, जैसे मैं मंदी हाउस में मैं खा के आई थी ना कुनाफा, उसके ऊपर जो शुगर सिरप डाल के खा रहे थे वो यही टेस्ट था बिल्कुल। तो आप लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके कुनाफे का शुगर सिरप कैसा बना है। वरना अक्सर लोग है ना पानी और चीनी का शुगर सिरप बना रहे हैं वो डाल के खाते हैं, पर आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। जिन अफराद को शुगर का है ना तो वो लोग भी ये खा सकते हैं। आप सिरप साथ रख लें और वो डालना चाहें तो डाल लें, वरना ऐसे ही खा लें, ऐसे ही भी बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। आपने लाजमी ट्राई करना है और अच्छा सा लाजमी कमेंट्स करना है मेरी रेसिपी पर। एक मैंने ये बनाया, ये अभी गर्म हो रहा है ज़रा, इसको भी मैं पलटती हूँ। ये ख़त्म हो गया ये वाला, दो बनाए। चलो जी, ये चकोर मैंने बनाए हैं, देखें ये वाला
एक मैंने बनाया था इसमें, एक इसमें बनाया था, एक इसमें बनाया था, तो ये मैंने डिमोल्ड करके इसमें निकाल दिया। ये मैंने शुगर सिरप बनाया क्योंकि मंदी हाउस जो गए हुए ना कराची में, उन्होंने खाया होगा, बहुत मज़े का होता है, ये डाल के खाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ डाल के। आप चाहें तो पिस्ते लगा दें, अगर ना चाहें तो कुछ भी ना लगाएं, शुगर सिरप डाल के और खा लें। चलें जी, ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, अंदर से फिलिंग भी नज़र आ रही है इसकी, बहुत मज़े का, बहुत ही यम्मी बना था। आप यही सारी चीज़ें डाल के बनाइएगा, अच्छा सा बनेगा, मज़े का। बाहर जाके भी तो खाते हैं ना इतना महंगी महंगी चीज़ें, तो आप घर में बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। ये देखें, ये वाली सिवियाँ भी डाल सकते हैं, मैंने पर फेनियों का यूज़ किया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।